हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप किसी भी जियो यूज़र का कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हो, उसको अपने ईमेल पे देख सकते हो गाइस। उसका कॉल से जो भी उन्होंने कॉल करा होगा, इसको मैसेज करा होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। बस गाइस, उसके फ़ोन में जिस भी फ़ोन का आप कॉल डिटेल निकालना चाहते हो, उसके फ़ोन में माई जियो एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और उसको आप फिर यूज़ करके आप कॉल डिटेल निकाल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओपन करेंगे हम जियो एप्लीकेशन अपना, और यहाँ पे आपका जो भी इंटरफेस शो करता है गाइज, वो आपके सामने होगा ऐसा कुछ। गाइज कुछ भी कमेंट करने से पहले वीडियो आप पूरी देख लेना, फिर आप कमेंट करना यार। यहाँ पे गाइज आप देखोगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स वाले में आपको माई स्टेटमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसको अगर ओपन करोगे, क्लिक करोगे गाइज, तो यहाँ पे आपको सारा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। आप जैसे देखो, अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आपको किस डेट से किस डेट तक का स्टेटमेंट चाहिए, आप इसको देख सकते हो, या फिर इसको ईमेल पे सेंड कर सकते हो, या फिर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से नहीं, मैं कहीं और से करके दिखाता हूँ आपको, आप एक और जगह से कर सकते हो गाइस। तो आपको यहाँ से इसको ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने जो भी आपका यहाँ पे डेटा शो करता है कि आपने कितना यूज़ करा, यहाँ पे आपको चेक यूजर्स पे क्लिक कर देना होता है। चेक यूजर्स पे क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे आपने जितना भी डेटा यूज़ करा हुआ, किस किस सेशन में किस किस टाइप पे आपको कितना डेटा यूज़ हुआ, कंज्यूम हुआ, वो सारा यहाँ पे दिखाता है गाइस। तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे नीचे जाओगे आप, तो मतलब आपको यहाँ पे मोस्टली 3-4 दिन का डेटा यहाँ पे शो करता है। जैसे देखो, 25 जून तक का दिखा रहा है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा था 27 जून को। हाँ गाइस, तो ये भी मतलब 3-4 दिन का तो ये यहाँ पे डेटा दिखाता है। फिर आप कॉल्स पे टैप करोगे ऐसे ही, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा गाइस कि आपने किससे कितनी देर बात करी है, कितना मिनट कितना सेकंड बात करा है। जब सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गाइस, डू यू वांट टू व्यू डिटेल्स। आप अगर यूजर्स का भी डिटेल देखना चाहते हो पुरानी वाली का, तो उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको वही स्टेटमेंट खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना डेट सेलेक्ट कर लो, ऊपर में जो दो दिख रहा है आपको, वहाँ से डेट सेलेक्ट कर लो, किस डेट से किस डेट के बीच में आपको चाहिए। फिर अब यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो हमने डाउनलोड वाले पे किया और सबमिट कर दिया। तब ये 2 से 3 सेकंड मुश्किल से लगता है गाइस, उसके बाद ये आपका PDF के रूप में यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो आप इसको ओपन कर लो, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस जब यहाँ पे ओपन करेंगे आप, तो आप फिलहाल डेट देख लो आप, ताकि बिलीव कर लो आप, डेट देखो। और गाइस यहाँ पे और भी चीज़ें आपको दिखाई देगा, जो भी किसके नेम पे सिम है, कि उसका क्या एड्रेस है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं आपको दिखा नहीं सकता सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी आप देखो, यहाँ पे जो भी डेटा मैंने यूज़ करा है, किस किस दिन पे, किस टाइम पे हमने कितना MB यूज़ करा था, कितना डाटा यूज़ करा, वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे नीचे देखोगे आप, तो यहाँ पे किस नंबर पे मैंने कितनी सेकंड बात करी है, सेकंड में नंबर दिखाता है। उसका ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल आपने कितनी देर बात करी है, किस नंबर पे कितना बात करा, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी फ़ोन का आप देख रहे हो आप, उसके फ़ोन में ये सब करने के बाद आपको यहाँ ईमेल पे जाना है, और यहाँ पे आप अपना खुद का ईमेल यहाँ पे फीड कर दोगे और सबमिट कर दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके ईमेल पे उसका एक PDF आ जाएगा। देखो आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका PDF मेरे ईमेल पे आ गया, जो भी मैंने यहाँ पे ईमेल फीड करा था। तो इससे क्या होगा कि आप उसके फोन से चुपके से अपना यहाँ पे ईमेल देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अपना एक लिंक अकाउंट कर सकते हो, जैसे आपके आपके फ़ोन में अगर माई जियो एप्लीकेशन है और अपने वाइफ का करना चाहते हो, तो आप उनका नंबर यहाँ पे फीड कर दो गाइज, और उसका बस एक OTP यहाँ पे फीड करना होगा। उसके बाद क्या होगा कि वो नंबर आपके फ़ोन में रजिस्टर हो जाएगा, और उसके बाद फिर कभी आपको उनके फ़ोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फ़ोन से ही आप उनका देख सकोगे डेटा कि उन्होंने कितना यूज़ करा है, किससे बातें कर रही हैं, कितना देर बातें कर रही हैं, या फिर कितना मैसेज उन्होंने कहाँ पर करा है वो आप देखो। आप यहाँ पे स्विच अकाउंट दिख रहा है, मैंने यहाँ पे 2 नंबर अपना ऐड कर रखा है, एक मेरा खुद का नंबर, एक और मैंने अपने घर का नंबर ऐड करा हुआ। तो फिर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्विच कर लेता हूँ अकाउंट, एंड देन गाइस उसके बाद आपको चेक यूजर्स पे वापस से क्लिक करना है। डे बाई डे आप ऐसे करके देखते जाओगे, तो वहाँ पे आपको डेटा शो कर देगा कि ये बंदा कहाँ पे कितना देर बात कर रहा है। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।